एम ए प्रीवियस का जो सिलेबस है फिलॉसफी का, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर है कांट, जिन पे हम बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में कुछ बात हुई थी। आज हम कांट की मॉरल फिलॉसफी में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि वो किसे गुड मानते हैं। देखिए, मॉरल फिलॉसफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम शुभ किसे कहेंगे और अशुभ किसे कहेंगे, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से इसके ऊपर विचार भी किया है। कांट कहते हैं कि शुभ क्या है, शुभ संकल्प शुभ है। और शुभ संकल्प क्या होता है? संकल्प कुछ ऐसा जो हमारी बुद्धि पर आधारित होता है, जो मतलब रैशनल होता है और जो हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देता है, उसे संकल्प कहते हैं, है ना, जो हमारे इमोशंस से अलग होता है। कांट कहते हैं कि संकल्प वो होता है, शुभ संकल्प, जो कि आपकी कर्तव्य की चेतना पर आधारित होता है। मतलब ये कि वो कहते हैं कि शुभ क्या है, शुभ संकल्प है। फिर वो शुभ संकल्प को समझाते हैं कि शुभ संकल्प वो होता है जब आप इस तरह से काम करते हैं कि वो आपको अपना कर्तव्य जान पड़ता है, वो आपको अपनी ड्यूटी लगती है, इसलिए आप वो काम करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कांट ने अपने इस विचार में कही। इसको और उन्होंने कहा कि जो गुड है या जो शुभ है, शुभ संकल्प ऐसा शुभ है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि अनकंडीशनल है, मतलब स्वतः साध्य है, निरपेक्ष है, अप्रतिबंधित है, जिसका जो शुभत्व है, जिसकी जो गुडनेस है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ना वो रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, ना वो देश काल परिस्थितियों इमोशंस किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, वो अपने आप में शुभ है, शुभ संकल्प। इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ कि कांट क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सपोज़ एक डॉक्टर है, ना डॉक्टर के पास हमें से कोई भी जाता है और हम कहते हैं कि भई ये हमारा पेशेंट है और इसको ज़रूरत है हार्ट सर्जरी की और आप देखिए इसको। अब डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है और पूरी अपनी कोशिश करता है कि मरीज़ ठीक हो जाए, लेकिन मरीज़ की डेथ हो जाती है। तो क्या हम उस डॉक्टर को अपराधी मानते हैं? नहीं। क्या हम उस डॉक्टर को अनैतिक मानते हैं? नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसका जो संकल्प था, उसका जो इंटेंशन था, वो प्योर था, वो गुड था, वो मरीज़ को बचाना चाह रहा था, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज़ नहीं बचा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट तो क्या निकला? रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं निकला। तो कांट कहते हैं कि देखिए, किसी भी एक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा वो तो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए जो शुभत्व है किसी भी कर्म का, वो कभी भी उसके परिणाम पर निर्भर नहीं करता। परिणाम तो कुछ भी निकल सकता है। इसलिए जो शुभ संकल्प है वो अपने आप में शुभ है, उसका क्या परिणाम निकलेगा इसके ऊपर उसका शुभत्व निर्भर नहीं करता। फिर एक सवाल यहाँ पर उठता है कि कांट क्या शुभ संकल्प के अलावा भी किसी और चीज़ को शुभ मानते हैं? जैसे कि हमें तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें शुभ होती हैं, जैसे नॉलेज, जैसे संयम, जैसे साहस, स्वास्थ्य, है ना, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें शुभ हैं। कांट का इसके ऊपर जवाब यह है कि बेशक ये सभी चीज़ें शुभ हैं, लेकिन ये
दी इनका जो शुभत्व है, इनकी जो गुडनेस है, वो देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करती है, वो स्वतः साध्य शुभ नहीं है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि हम मानते हैं कि साहस अपने आप में शुभ है ना, और स्वास्थ्य भी अपने आप में शुभ है, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई बहुत ही साहसी व्यक्ति है और बहुत ही हेल्दी है, लेकिन वो अपना साहस और वो अपनी हेल्थ का इस्तेमाल करता है कि किसी का मर्डर कर देता है, तो वो एक्शन कैसा होगा? अशुभ। और जो साहस है और जो हेल्थ है, वो अशुभ कर्म को करने का साधन बन गया, तो ये स्वतः साध्य शुभ नहीं है, ये तो सापेक्ष हो गया, ये निरपेक्ष शुभ नहीं है। लेकिन जो शुभ संकल्प है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, कोई भी उसका परिणाम हो, लेकिन वो हमेशा ही शुभ रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि शुभ संकल्प को उन्होंने क्या कहा, कि शुभ संकल्प वो है जो कि मनुष्य की कर्तव्य की चेतना पर आधारित कर्म होता है। संकल्प का मतलब है कर्तव्य पर आधारित संकल्प। अब कांत बहुत ज़्यादा अपनी मॉरल फिलॉसफी में ड्यूटी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये देखना है कि कोई नियम नैतिक नियम है या नहीं है, तो ये देखो कि वो कर्तव्य की चेतना पर आधारित है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं कि तीन तरह के कर्म होते हैं जो जो मनुष्य, हम आप सब लोग जो भी एक्शन करते हैं, उनकी तीन कैटेगरीज हैं। पहला एक्शन हम करते हैं अपने इमोशंस पे बेस्ड होते हैं हमारे एक्शन, हमारी इच्छा, हमारी संवेग, हमारी भावनाएं हमसे कुछ काम करवाती हैं, है ना। दूसरे कर्म वो होते हैं जो कि हम सोच समझकर अपने हित के लिए करते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा इसके अंदर है, इसलिए मैं ये काम करूँगी। और तीसरा कर्म होता है वो जो कि विशुद्ध कर्तव्य पर आधारित होता है, ड्यूटी है, उस पर आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं। कांट कहते हैं तीन तरह के कर्म होते हैं। अब पहला जो कर्म है जो कि भावनाओं पर आधारित है, ऊपर आधारित है, उसको कांट मॉरल एक्शन नहीं मानते, क्योंकि वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वो बदलता रहता है, उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप अपना हित समझकर जो काम करते हैं, सोच समझ कर, उसका भी कोई नैतिक मूल्य नहीं है। नैतिक मूल्य सिर्फ उसी कर्म का है जो कि आप करते हैं अपने कर्तव्य को समझकर। मतलब वो आपको लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी में क्या होता है? बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन होता है ना। कर्तव्य का मतलब ही ये है कि वो मुझे करना ही है, उसके ऊपर कुछ और सोचा नहीं जा सकता। इसको कुछ एग्जाम्पलों से समझा जा सकता है, जैसे कि एक किराने की दुकान वाला है, वो हमेशा सही तोलता है, जो भी जाता है उसके पास वो बिल्कुल सही तोलता है। अब एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम सही क्यों तोलते हो, हमेशा तुम बिल्कुल, कोई बच्चा भी आ जाता है तो तुम सही तोलते हो। तो वो कहता है कि मैं सही इसलिए तोलता हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, अगर मैं गलत तोलूँगा तो धीरे धीरे लोग आना बंद हो जाएंगे। अब वो सही चीज़ कर रहा है, सही एक्शन है उसका, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? अपना फ़ायदा। तो कांट कहते हैं इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। अब एक दूसरा दुकानदार है उसी के पास में, वो भी बिल्कुल सही तोलता है हमेशा। अब उससे जाकर पूछा कि भाई आप हमेशा सही क्यों तोलते हो, कभी भी आप गलत नहीं तोलते, बच्चा भी आता है तो सही तोलते हो। अब वो जवाब देता है कि मैं सही इसलिए तोलता हूँ क्योंकि सही तोलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तोलना चाहिए, इसलिए मैं सही तोलता हूँ। तो उसने कहा कि कभी हो सकता है कि आपको इससे घाटा भी लगे, तो उसने कहा कि घाटा लगे तो और मुनाफा हो तो,
भाई सही तोलना चाहिए, गलत नहीं तोलना चाहिए, इसलिए मैं तो सही तोलता हूँ और सही तोलूंगा, इसका नैतिक मूल्य है। क्योंकि जो पहले वाला दुकानदार है उसको आज सही तोलने से फ़ायदा हो रहा है इसलिए वो सही तोल रहा है, लेकिन कल अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसको बेईमानी से यानी कि कम तोल कर मुनाफा होता है तो वो फिर क्या करेगा, कम तोलने लग जाएगा, बदल जाएगा वो तो। लेकिन ये जो शख्स है जो कि मान रहा है कि मैं तो सही तोलूँगा इसलिए क्योंकि सही तोलना ही उचित है, सही तोलना ही चाहिए, मेरी अंतरात्मा इसको गवारा नहीं करती कि मुझे गलत तोलना चाहिए, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो कर्म है उसका नैतिक मूल्य है, ये जो एक्शन है इसका नैतिक मूल्य है, ये व्यक्ति नैतिक व्यक्ति है कांट की दृष्टि से, समझ रहे हैं। आगे हम आज की क्लास में हमने ये जाना कि कर्तव्य को लेकर कांट कह रहे हैं कि जो नैतिक नियम है उसमें बाध्यता होती है और बाध्यता होती है उसमें वो हमारा कर्तव्य होता है इसलिए वो किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ही कोई हमें गरीब और बच्चा दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मदद करना, दया आ गई मुझे, तो ये तो नैतिक कर्म हो गया, कांट की दृष्टि से इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि आज आपको उसके ऊपर रहम आ गया तो आपने उसकी मदद कर दी, कल हो सकता है कि आपको रहम नहीं भी आए तो फिर आप उस गरीब की मदद नहीं करोगे। कांट कहते हैं जब आप इस तरह से मदद करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं मुझे मदद करनी चाहिए क्योंकि ये भी मेरी तरह ही इंसान है, और अगर आज मेरे पास ज़्यादा है और इसके पास कम है तो मैं इसकी मदद करूँगी, तो ये जो कर्म है वो मॉरल एक्शन है, नैतिक कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी थिंकर को वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।